दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के कई सारे देशों में लोग अपनी आदतों की वजह से इस कदर परेशान हैं कि वो अपनी आदत को छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि कई लोग अपने ओवरवेट से परेशान होकर अपने मुंह के जबड़े को मैग्नेटिक डिवाइस से इस कदर बंद करवा रहे हैं ताकि वो खाना खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फूड ही कंज्यूम कर सके और अपने जंक फूड खाने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ सके। वहीं कुछ लोग मोबाइल और वीडियो गेम के नशे में कुछ इस कदर डूब चुके हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने तक की भी नौबत आ गई है। तो ये सब डिजास्टर देखकर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है कि लोग चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसके पीछे ऐसा कौन सा साइंटिफिक रीजन छुपा है कि जिसकी मदद से ऐसी खतरनाक हैबिट बनती है और बिगड़ती है, और आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसकी मदद से हम अपने किसी भी हैबिट को न सिर्फ कंट्रोल कर सके बल्कि जब हम चाहे तब उस हैबिट को छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको सिर्फ 4 स्टेप में साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर हमारा दिमाग आदतें बनाता ही क्यों है। तो इस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि आदिकाल से ही हमारा ब्रेन अपनी एनर्जी को बचाने के लिए हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स टास्क की एक रिदम या प्रोसेस बना करके स्टोर कर लेता है, जिससे कि अगली बार सेम काम जब दोबारा करने की जरूरत पड़े तो तब वो अपनी मिनिमम ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके उसे आसानी से कर सके। यही वजह है कि जिस काम को हम डेली करते हैं उसे ब्रेन हैबिट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, जैसे कि ब्रश करना, कपड़े पहनना, जूते की लेसेस बांधना इत्यादि। इसलिए अगर हम हैबिट की डेफिनेशन को बारीकी से देखें तो इस पर साइकोलॉजी का कहना है कि हैबिट्स दरअसल उन बिहेवियर या कामों को कहते हैं जिन्हें एक बार अगर आपका ब्रेन करना सीख जाए तो फिर आपके ब्रेन को उन कामों को वापस से करने के लिए आपसे परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे कि जब हम एक बार साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर हमारा ये ब्रेन इस स्किल को ब्रेन की एक स्पेशल जगह बेसल गैंग्लिया में स्टोर कर लेता है। एक्चुअली में ये वही जगह है जहाँ पे हमारी सारी आदतें स्टोर होती है। इसलिए फिर जब भी कभी हम फिर से साइकिल चलाने जाते हैं तो हमारा ये ब्रेन ये सारी चीजें बिना कोई एफर्ट के खुद ब खुद ही मैनेज कर लेता है। यही वजह है कि 2002 में डेली एक्सपीरियंस स्टडी के अकॉर्डिंग हम पूरे दिन जितने भी काम करते हैं उनमें से करीब करीब 43% काम अपने हैबिट की वजह से ही परफॉर्म करते हैं। और इनमें से कई सारे काम तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें करते हुए हमें पता भी नहीं चलता, यानी कि वो सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन बेसल गैंग्लिया की मदद से अपने आप ही कर देता है। तो अब ये डेटा देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि आखिर ये हैबिट फॉर्म कैसे होती है। तो अगर हम किसी भी अच्छी या बुरी हैबिट को ब्रेक करके उसे बारीकी से समझने की कोशिश करें तो मेनली एक हैबिट में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट द कॉन्टेक्स्ट क्यू, यानी कि ट्रिगर पॉइंट, बिहेवियर रिपीटेशन एंड रिवॉर्ड। अब कॉन्टेक्स्ट क्यू यानी कि ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वो कोई भी चीज होती है जो आपको किसी भी काम को करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि पर्टिकुलर टाइम पर चाय पीने का मन होना, या फिर मॉल में जाते ही फास्ट फूड खाने का मन होना, या फिर बोर होते ही मोबाइल का इस्तेमाल करने का मन होना। वहीं बिहेवियर रिपीटेशन का मतलब होता है अपने ब्रेन पावर का मिनिमम इस्तेमाल करते हुए किसी भी काम को करना, जैसे कि सुबह होते ही आपका ब्रेन अपने आप ही आपको ब्रश करवा देता है। उसके लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये काम हम हर दिन करते हैं, जिस वजह से ये चीजें हमारे हैबिट फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर हम बात करें रिवॉर्ड की तो रिवॉर्ड का यहाँ मतलब पॉजिटिव या गिल्टी वाली फीलिंग से है। ये फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आप उतनी ही तेजी से किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करते जाओगे। जैसे कि आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि कई लोग पढ़ाई खत्म करते ही फोन की तरफ अपने आप ही चले जाते हैं और फोन निकालकर सोशल मीडिया पे चैटिंग या फिर वीडियो स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, जो उनका स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब यहाँ पे पढ़ाई खत्म होना एक ट्रिगर पॉइंट है, वही बिना सोचे समझे आपका माइंड आपको फोन की तरफ खींच कर लेकर जाता है, वो बिहेवियर रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप चैटिंग या वीडियो स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हो जो आपका स्ट्रेस खत्म करके आपको हैप्पी वाला फीलिंग देता है, वो है आपका रिवॉर्ड। और इसी तरह ये 3 कंपोनेंट्स आपस में मिलकर किसी भी हैबिट को बनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ये हैबिट इतनी ही अच्छी है तो फिर क्यों कुछ लोग पॉर्न, ड्रग्स या ओवरईटिंग जैसे खतरनाक हैबिट के शिकार हो जाते हैं, या यूं कहे कि उसके एडिक्टेड बन जाते हैं। तो इसे समझने के लिए द हैबिट किताब के ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें जूलियो नाम के एक मंकी के सिर में इलेक्ट्रोड लगा दिया गया जिससे कि उसके दिमाग में हो रहे हलचल को मॉनिटर किया जा सके, और फिर उसे एक स्क्रीन के सामने बिठा दिया गया जहां स्क्रीन पर जब भी कोई कलर वाला शेप दिखाई दी जाती थी तब जूलियो को बटन प्रेस करना होता था, और ऐसा करते ही उसके मुंह में डायरेक्टली फ्रूट जूस की थोड़ी सी मात्रा चली जाती थी। मीनवाइल सिर में लगा इलेक्ट्रोड ये दिखा रहा था कि कैसे जूस मिलते ही जूलियो के दिमाग में एक खुशी की लहर दौड़ जा रही थी। अब जैसे ही ये प्रोसेस 1 से 2 बारी रिपीट हुआ कि जूलियो के दिमाग में अब इस फ्रूट जूस की चाहत बढ़ने लगी और
इस एक्सपेरिमेंट को लेकर वो सुपर कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब यहाँ अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को बारीकी से समझे तो जूलियो के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्यू यानी कि ट्रिगर पॉइंट कलर्ड वाले शेप थे जो डिस्प्ले पे दिख रहे थे। वही बटन प्रेस करना उसका बिहेवियर रिपीटेशन बन गया था और फ्रूट जूस मिलना उसका रिवॉर्ड था। लेकिन फिर अब साइंटिस्ट ने जूलियो को उसका रिवॉर्ड देना बंद कर दिया या कई बार वो रिवॉर्ड देने में थोड़ा लेट कर देते थे या फिर उसके टेस्ट को ही खराब कर देते थे। अब इससे जूलियो के ब्रेन में गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साइन दिखने लगे। अब भले ही चाहे उसे रिवॉर्ड के तौर पे पहले जैसा जूस नहीं मिल रहा था मगर रिवॉर्ड ये यूं कहे कि पहले जैसे खुशी की लहर को हासिल करने के लिए जूलियो अब बार बार पागलों की तरह बटन को दबाए जा रहा था जो अब एक तरीके से उसका एडिक्शन बन गया था। अब ये एक्सपेरिमेंट भले ही एक मंकी के साथ किया गया था लेकिन सिमिलरली ऐसा ही कुछ उन लोगों के दिमाग में भी होता है जिन्हें पॉर्न ड्रग्स या मोबाइल जैसी चीजों की आदत होती है। उन्हें भी शुरुआत में जूलियो की तरह ही रिवॉर्ड के तौर पे हाई डोपामाइन का हैप्पी रश मिलता है जिससे वो बार बार फील करने के लिए वो अंधाधुन अपने बिहेवियर को रिपीट करने लगते हैं जिससे कि वो फिर से पहले जैसी खुशी की लहर को महसूस कर पाए और इस तरह से यही हैबिट धीरे धीरे उनका एडिक्शन बन जाती है। तो दोस्तों अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि आखिर ये हैबिट होती क्या है और ये कैसे बनती है और एक हैबिट कैसे एक एडिक्शन का रूप ले लेता है। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर हम अपनी किसी भी बुरी आदत से आसानी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो एक हैबिट को नई तरीके से फॉर्म करने के लिए हमें हैबिट की ये तीन कंपोनेंट को एक साथ इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे कि विक्टर ह्यूगो राइटर और नॉवेलिस्ट थे मगर अपनी निजी जिंदगी में वो काफी रंगीन मिजाज के इंसान थे जो हर वक्त गाना बजाना और पार्टी करने में मशगूल रहते थे मगर धीरे धीरे वो अपनी इसी हैबिट के माया जाल में फंस चुके थे। हालांकि 1830 तक विक्टर एक सफल राइटर बन चुके थे इसलिए बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें नॉवेल लिखने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ था जिसके चलते उनको अच्छी खासी रकम भी मिली हुई थी मगर हर वक्त पार्टी के नशे में चूर विक्टर ने पिछले एक साल से किताब का एक पन्ना भी नहीं लिखा था। अब विक्टर भाई साहब की इस आदत को देखकर पब्लिशर ने काफी बार उनको धमकाया मगर फिर भी विक्टर अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठग हार कर पब्लिशर ने विक्टर को 5 महीने की डेडलाइन दे दी कि अगर किताब फरवरी 1831 में पब्लिश नहीं हुई तो अब उन पे मुकदमा चलने वाला था। अब रियलिटी देखे तो एक फ्रिक्शनल नॉवेल को लिखने के लिए रिसर्च और ध्यान के साथ साथ कम से कम 1 से 2 साल की जरूरत होती है लेकिन यहाँ विक्टर के पास उतना समय नहीं था इसलिए उन्होंने अपने हैबिट को फॉर्म करने के लिए अपने कॉन्टेक्स्ट क्यू यानी कि ट्रिगर पॉइंट बिहेवियर रिपीटेशन और रिवॉर्ड को सही तरीके से बारीकी से समझा और एक यूनिक सा तरीका निकाला जिससे कि वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ सके। जिसके लिए सबसे पहले विक्टर ने अपने सारे कीमती कपड़े सामान और पार्टी करने वाली सारी चीजों को एक बड़ी सी अलमारी में बंद कर दिया और उसकी चाबी दूसरे शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त को भिजवा दी। अब इससे हुआ यूं कि उनका ट्रिगर पॉइंट जो कि उनकी पार्टी से रिलेटेड सामान था उन्हें वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे जिस वजह से वो चेन जो उनके बिहेवियर रिपीटेशन और रिवर्ड को आपस में जोड़े रखता था वो हैबिट का चेन ही अब टूट रहा था और अब उनके पास पहनने के लिए एक बड़ा सा शॉल ही बचा हुआ था और खाने के लिए कुछ पैसे। इसलिए अब विक्टर के पास इस ठंड वाले माहौल में बस अपने कमरे में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा जिसका नतीजा ये आया कि अब इस 4 महीनों में ना सिर्फ उन्होंने अपने एडिक्शन से पीछा छुड़ाया बल्कि इस 4 महीने में उन्होंने द हंचबैक नाम की नॉवेल को पूरी तरह से कंप्लीट करके पब्लिश भी करवा दिया। और रियलिटी में देखे तो ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी बल्कि ये टोटल 940 से 950 पेजेस की मोटी सी नॉवेल थी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने लाइफ में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम तो अपने कपड़े को लॉक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको भी सिंपली यही करना है जो विक्टर ह्यूगो ने किया था, अपने कॉन्टेक्स्ट क्यू यानी कि ट्रिगर पॉइंट को ही गायब कर दो या अपने से दूर कर दो। जैसे कि बहुत से लोग अपनी पढ़ाई की हैबिट फॉर्म ही नहीं कर पाते क्योंकि वो पढ़ते समय अपने पास में फोन लेकर बैठते हैं। इससे होता यह है कि जब आप 1 सेकंड के लिए भी बोर फील करते हो तो तब आप ना चाहते हुए भी फोन को अनलॉक कर लेते हो और फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और फिर आप कभी भी अपनी पढ़ाई करने की हैबिट को फॉर्म ही नहीं कर पाते। अब यहाँ अगर आपने चालाकी से अपने ट्रिगर पॉइंट जो कि इस कंडीशन में आपका फोन है उसे साइलेंट करके दूसरे रूम में रख कर उस रूम को लॉक करके चाबी अपने पेरेंट्स को दे दी तो फिर आपके पास ना चाहते हुए भी पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं और आप आसानी से अपनी पढ़ाई करने की हैबिट को फॉर्म कर पाओगे क्योंकि इससे आपकी पुरानी हैबिट की चेन टूट जाएगी। जैसे कि जेम्स क्लियर जिन्होंने द एटॉमिक हैबिट जैसी किताब को लिखा है उन्होंने एक बारी ये नोटिस किया कि वो अपने दिन के मैक्सिमम आवर्स सोशल मीडिया पे ही गुजार दिया करते थे। अब इससे प्रॉब्लम ये हुई कि वो अपने लाइफ में ऐसे कामों को नहीं कर पा रहे थे जो उनके लिए बहुत ही जरूरी था। वो अगर 1 सेकंड के लिए भी बोर फील करते थे तो वो तुरंत ही सोशल मीडिया को खोलकर बैठ जाते थे और ऐसा करने से वो अपने दिन के कई सारे घंटे सिर्फ सोशल मीडिया को ही स्क्रॉल करते हुए गुजार दिया करते थे। अब वो अपनी इस बुरी हैबिट से छुटकारा तो पाना चाहते थे लेकिन वो चाहकर भी इसके ट्रिगर पॉइंट को खत्म कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन उनका मन किसी न किसी बहाने से उन्हें फोन तक ले ही जाता था। अब इस हैबिट से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक कमाल की तरकीब निकाली और मंडे मॉर्निंग को ही उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोलकर उनके सारे सोशल मीडिया के पासवर्ड चेंज करवा दिए और उस पासवर्ड को अपने पास ही रखने के लिए बोला। अब क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस ही नहीं था इसलिए वो चाहकर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और अगर कभी
उनके मन में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इच्छा भी जगती थी, तब भी उन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का कोई भी पासवर्ड नहीं पता था, जिसकी वजह से ही अब उनके पास काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जिसका रिजल्ट ये आया कि अब वो मंडे से फ्राइडे तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम में लगे रहते थे, और फ्राइडे की शाम को जब वो अपना सारा काम खत्म कर लेते थे तब उनके असिस्टेंट उन्हें नए पासवर्ड शेयर कर दिया करती थी, जिसके बाद से वो पूरे वीकेंड सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते थे। जिसका सबसे बेस्ट आउटकम ये निकल करके आया कि जेम्स क्लियर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से न सिर्फ अपने सोशल मीडिया के बैड हैबिट को छोड़ पाए, बल्कि वो बहुत ही कम समय में बाकी लोगों के कंपैरिजन में दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब द एटॉमिक हैबिट को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाए, जो कि एक बेस्ट सेलिंग किताब साबित हुई। ठीक इसी तरह आप भी अपनी बुरी हैबिट की चेन को तोड़कर आसानी से उससे पीछा छुड़ा सकते। वहीं अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो ऐसी ही हैबिट की चेन को तोड़ने के लिए लोग अपने मोबाइल या जंक फूड वाले खाने को टाइमर लॉक कंटेनर में 2 से 3 दिनों के लिए टाइमर लगाकर लॉक कर देते हैं, या फिर अपने जंक फूड खाने की हैबिट को छोड़ने के लिए वो अपने जबड़े को ही लॉक करवा देते हैं, ताकि वो इस हैबिट की चेन को तोड़ पाए। तो अगर आप भी अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो तो ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन, बुक एंड डिवाइस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपकी बुरी हैबिट की चेन को तोड़ने में आपको 100% मदद करेगी। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।